हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा और होम स्टाइल कुकिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, घर पे अचानक से मेहमान आ जाए और घर में कोई भी सब्जी अवेलेबल ना हो तो फिर क्या बनाए, ये सब की परेशानी हमेशा होती है। तो इसके लिए मैं आज आपको इंस्टेंट अक्खे मूंग की सब्जी कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए आज की हमारी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी सब्जी है उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ग्रीन वाले मूंग जो आते हैं वो लिए है एक कटोरी। तो सबसे पहले मैं इसे दो तीन बार पानी से अच्छे से धो देती हूँ। तो ये मूंग मैंने धो के लिए है, अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। तो ये देखिए, एकदम ज़्यादा पानी भी नहीं डाला है, सिर्फ मैंने इतना ही ऊपर पानी रखा है इसके। अगर ज़्यादा पानी आप इसमें डालोगे तो मूंग जो है वो ज़्यादा पक जाएंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, एकदम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे इसमें, नहीं तो फिर ये मूंग अपने पकेंगे नहीं। और अब नमक डालने के बाद इसे मैं कुकर में तीन सीटी निकाल लेती हूँ। कुकर में तीन सीटी निकालने के बाद अब ये देखिए, ये मूंग अपने ऐसे पक गए हैं, ये देखिए। और ये ऐसे ही रहने चाहिए, इससे ज़्यादा फूटने नहीं चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा और पकने नहीं चाहिए, ये देखिए। क्योंकि हम इसकी जब सब्जी बनाएंगे तो उसमें जो बाकी कसर रही है इसमें वो भी गल जाएंगे। तो चलिए फटाफट से अब इसकी सब्जी बनाते हैं। तो सब्जी के लिए मैंने कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी थी, उसमें मैं 2 से 3 टेबलस्पून तेल डाल देती हूँ। ये हम सूखी सब्जी बनाएंगे इसके लिए इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। और अब तेल को अच्छे से हम पहले गर्म होने देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने मूंग बॉईल करके लिए है इसमें मैंने हल्का सा नमक भी डाला है, तो ये आप ऐसे ही बच्चों को खाने के लिए भी दे सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी होते हैं और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। और अगर आपको पसंद हो तो इसमें थोड़ा सा प्याज और टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के भी ये बहुत ही स्वादिष्ट सलाद बन जाता है, तो आप वैसे भी खा सकते हो। तो यहाँ पे तेल अपना अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें मैं डालूँगी 1 चुटकी हींग, 1 टीस्पून राई और 1 टीस्पून जीरा। और अब इसमें जाएगा करी पत्ता। और अब साथ ही मैं इसमें डालूँगी, यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन कूट के लिए है, तो इसमें मैंने 7-8 लहसुन की कलियाँ और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था। और अब इसे थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें जाएगा अपना प्याज। तो यहाँ पे एक मैंने बड़े साइज का प्याज फाइन चॉप करके लिया था। और अब प्याज को अच्छे से मैं पकने देती हूँ। तो ये एकदम सिंपल सी सब्जी है, एकदम झटपट बन जाती है और उतनी ही खाने में टेस्टी भी लगती है। और ये एकदम इंस्टेंट सब्जी है, तो ये आप कभी भी बना सकते हो। जब घर पे अचानक से मेहमान आ जाते हैं या फिर अपने घर में कोई भी सब्जी नहीं होती है तो वो टाइम पे ये सब्जी हम आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे प्याज हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है, तो अब मैं इसमें डालूँगी ये 1 बड़े साइज़ का टमाटर मैंने कट करके रखा था, वो प्याज के साथ साथ टमाटर को भी मैं अच्छे से पकने दूँगी, क्योंकि हमने मूंग जो है वो पहले से बॉईल करके लिए है, इसके लिए इसमें मसाला अच्छे से पकना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये देखिए, यहाँ पे 2-3 मिनट हो गए हैं और प्याज और टमाटर दोनों अच्छे से पक गए हैं। अब मैं इसमें अपने मसाले डाल देती हूँ। मसाले में सबसे पहले जाएगा 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर आप अपने हिसाब से डालिए। 1/2 टीस्पून धना पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी, यहाँ पे मैंने हरा फ्रेश धनिया कट करके रखा था वो भी डाल। और अब फिर से एक बार ये मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और अब मैं इसमें डालूँगी 1-2-3 चम्मच जितना पानी,
पानी डालने से अपने जो मसाले हैं वो अच्छे से पक जाएंगे। फाइनली इसमें मैं डालूंगी नमक। तो नमक हमने थोड़ा सा मूंग में भी डाला था, तो वो हिसाब से फिर इसमें नमक डालेंगे। तो ये मसाले अच्छे से एक दूसरे के साथ मिल गए हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी अपने बॉयल मूंग। तो देखिए यहाँ पे मूंग में भी थोड़ा सा पानी है, तो वो पानी के साथ ही हम इसमें मूंग डाल देंगे। और अब हल्के हाथ से मैं इसे मिक्स कर दूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो ये मूंग के सब्जी में थोड़ा सा अभी भी पानी बाकी है, तो वो हमारे मूंग को और थोड़े से पकने में मदद करेगा। तो अब मैं गैस की फ्लेम एकदम स्लो करूंगी और इसके ऊपर ढक्कन रख के एक दो मिनट इसको पकने दूंगी। तो ये लीजिए यहाँ पे अपनी इंस्टेंट मूंग की सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखिए एकदम ड्राई भी हो गई है, और जो मूंग अपने हल्के हल्के से बाकी थे पकने वो भी पक गए हैं। तो इसको मैं फिर से एक बार थोड़े से हरे फ्रेश धनिए से गार्निश कर देती हूँ और गैस की फ्लेम अब मैं बंद कर देती हूँ। तो बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्जी, मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है ये सब्जी। तो जब भी वो घर पे आता है तो हमेशा उसकी ये सब्जी बनाने की फरमाइश होती ही है। तो चलिए अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखा आपने, है ना ये एकदम इंस्टेंट सब्जी। तो ये हमारी सब्जी आप चपाती, रोटी, चावल की रोटी या तो फिर राइस के साथ भी खा सकते हो। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि मैंने ये सब्जी की रेसिपी दिखा के आपकी थोड़ी सी टेंशन दूर की होगी, और ये मेरे बैचलर्स बच्चे और बिगनर्स भी एकदम इजीली बना सकते हैं। तो इसको मैं डेकोरेशन के लिए सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा ये फ्रेश नारियल डाल देती हूँ और हरा फ्रेश धनिया। तो फ्रेंड्स ये सिंपल सी सब्जी आप एक बार ज़रूर बना के देखिए और मुझे कमेंट में बता दीजिए कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए अब हम फिर मिलेंगे अपनी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक थैंक यू।